तो जो दो दिन हमने देखा क्वेश्चन तो हों उस बारे में एड्रेस कर कल के लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन जिस तरह बता रहे थे लचिंग और कर्व्स पे कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि रेल जो है ये ओवरटर्न हो गई फोर्स की वजह से कम से मेरे लोग हो सकता है पॉसिबिलिटी है इसी सूरत में है अगर उसकी फास्टिंग टूट हो फास्टिंग होती है फास्टिंग कमजोर हो तो चांस हो सकता है लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है जो फास्टिंग का पुरानी फास्टिंग का तो नई फास्टिंग तो बड़ी स्ट्रांग है पुरानी फास्टिंग तो होती थी गुरु सिंगल्स पे डॉग स्पाइक लगाते थे तो उसमें भी स्टैंडर्ड ही होता था कि टू डॉग इनसाइड वन डॉग स्पाइक आउटसाइड टू डॉग स्पाइक इनसाइड वन आउटसाइड क्योंकि इनसाइड पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है वो वंडर होती है तो रेल के ओवर टर्न होने का कभी नहीं हुआ ये अलगता हो जाता है जब ट्रेन स्पीड पे हो ओवर स्पीड करे या उसका सुपर एलिवेशन ठीक हो उस सूरत में वो जंप कर देते काफी नीचे जब वो जंप करेंगे तो बाहर निकल जाएगी क्यों जब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जा रही है और वो प्रॉपर नहीं मिला तो वो क्लैंप होके बाहर निकल जाती है ऐसा तो हुआ है लेकिन ये रेल ओवरटर्न हो ये इलम में नहीं मिले लेकिन दूसरा भी इशू होता है ना कि जब ये ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है ना खुदा खास कर तो वो जगह इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि पता नहीं लगता कि हुआ क्या था एग्जैक्टली ओवरटर्न हुआ था या नहीं हुआ था क्या हुआ था तो फिर हम थोड़े बहुत वहाँ पे सिम्टम्स होते हैं या निशानी नजर आती हैं उनसे अंदाजा करते हैं कि कल हम रेल जॉइंट्स पे कर रहे थे डिस्कस ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ था उसमें एक दो चीज़ें रह गई थी कि जब वेल्डम ने कर दिया उसकी क्वालिटी चेक क्या है कि आया वेल्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रह गया उसमें कोई एयर बबल तो नहीं रह गया उसमें कोई फिशेस तो नहीं बन गए तो उसको कैसे चेक करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन मशीन अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन मशीन अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन मशीन छोटी सी मशीन होती है एक आदमी भी ऑपरेट कर सकता है जरा बड़ी मशीन होती है दोनों रेलों की इकट्ठे देखती है वो दो आदमी भी ऑपरेट कर सकते हैं उसका पर्पज ये होता है कि नॉट ओनली इन द जॉइंट बट इन द रेल आल्सो अगर कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है कोई क्रैक आ गया है रेल में तो वो आइडेंटिफाई कर देते तो उसका पीरियोडिकली अगर नई रेल्स हों तो आमतौर पर 3 साल के बाद और अगर पुरानी रेल हो जाए 20-25-30 साल तो हर साल अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन इंस्पेक्शन होती है और उसमें जो रेलें डिफेक्टिव निकल आए हैं जॉइंट्स डिफेक्टिव निकल आए उनको फिर रिपेयर कर दूसरी चीज इसमें जो बताने वाली रह गई थी वो ये थी कि ये जो होल्स होते हैं फिश प्लेट्स के लिए अब वेल्ड होने के बाद तो इनकी जरूरत नहीं रह जाती उस लिहाज से लेकिन ये एक रेल में वीक पॉइंट बनता है आमतौर पर देखा गया है कि जब भी कोई क्रैक डेवलप हुआ है रेल में
तो वो इनिशिएट किसी ना किसी बोल से होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सेक्शन है वेब का वो थोड़ा रह जाता है। तो अब जो प्रैक्टिस है हम भी करते हैं कि हम अब हम रिले विदाउट होल्ड में परचेज करते हैं। पहले रिले विद होल्ड परचेज होती थी फिश प्लेट के लिए, अब विदाउट होल मंगाते हैं। अब जो हमें डेफिनेट होकर हम उनको बेल्ट करना है, और अगर कोर्स करने की जरूरत हो तो फिर लोकली मशीन कर लेते हैं। लेकिन लोकल ड्रिलिंग की शायद क्वालिटी उस तरह नहीं थी जैसे प्रैक्टिस हो गया, बट ये प्रैक्टिस अब इस तरह से है। बिफोर दैट कि हम इस पर चलें, जो पिछली जो डिस्कशन हुई है ना उसमें एक दो चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा था वीडियो पे। एक क्वेश्चन बार बार पूछा लोगों ने कि गेज को मेजर कैसे करना है और क्रॉस लेवल को मेजर कैसे करना है, तो वो मैं एक वीडियो देखता हूँ आपको, उससे अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, जब बात करेंगे जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो आपने ये देखनी है सब इस तरह से होती हैं, ये आपको दिखाएंगे इसमें। हाँ ये इसको अगर दो मिनट देखें,
इरशाद आपकी समझ में आए कि फील नजर है आप कह सकते हैं ये है जो स्विच होता है ना उसका बिल्कुल पहले एक्सेल पार्ट ऑफ ये है एक्चुअल चला बंद एक्सल टू ऑफ स्विच टू ऑफ स्विच में पॉइंट क्लास बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि ये होता है ना स्ट्रेट कर जा रही है स्ट्रेट लाइन जा रही है इसमें से एक कांटा निकल रहा है ये स्विच होता है इसको हम क्रॉसिंग कहते हैं तो ये जो स्विच होता है इसकी जो टो होती है वो एग्जैक्टली फ्रंट पे नहीं होती थोड़ी सी पीछे लेते हैं उसको उसको एक्सल टू ऑफ स्विच कहते हैं यहाँ पर मेजरमेंट नहीं होती क्योंकि इसके मेजरमेंट आमतौर पे ठीक नहीं होती ये वेयर आउट होगा ना ये मेजरमेंट सी तो इसमें ये sir, तो नहीं एक्चुअल से मुराद उनकी ये है कि जब ये जो अगर इसको जरा सा नहास करें ना बड़ा करके बनाए तो ये ऐसे बनता है ना ये इसको व्हील बार बार टकराते हैं जो ट्रेन गुजरती है तो इसकी जो ओरिजिनल शेप है वो बरकरार नहीं रहती इसलिए यहाँ पे एक हीट ब्लॉक लगा होता है तो हीट ब्लॉक पर मेजरमेंट लेते हैं तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता मेजरमेंट वहाँ से और जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये जो इक्विपमेंट आपने देखा है ना ये तो आमतौर पर लोगों के पास इतना नहीं है और फिर दूसरी बात यह है कि गेज की मेजरमेंट और क्रॉस लेवल की मेजरमेंट ये तो डेली अफेयर है तमाम गैंग्स का तमाम PWIs का AEM जो अपनी इंस्पेक्शन पे जाएगा उसका तो ये गैंगों के पास तो इतना नहीं है गैंग तो हर 5-7 किलोमीटर बाद गैंग मौजूद होती है तो उनके पास जो लोकली मेड इक्विपमेंट है वो मैं आपको शक बताता हूँ आप फील्ड में जाएंगे तो देख लेंगे आप रॉड है या प्लेट है स्टील प्लेट है सर इसका ये जो फासला है ये होता है 5 फुट 6 इंच फिक्स्ड होता है इसको ट्रैक में लगा के ना साइड पे बहुत वर्टिकल टू द रूफ करते हैं तो नजर आते हैं वर्टिकलिटी कहाँ पे है और जहाँ पे अगर गैप आ रहा है तो उसको मेजर कर देते हैं तो कितना स्लैट है और टाइट आ रहा है तो उसको भी अंदाजा आ जाता है कितना टाइट फट्टा तो इसको कहते हैं इस रॉड को और जो एक वो लकड़ी की रॉड होती है स्केल को कहते हैं पारा पारा बेसिकली वो जो होता है ना स्प्रिट लेवल उसका नाम पारा रखा होता है
तो जो ये तो है ना गेज मेजर करने के लिए, जो क्रॉस लॉग मेजर करने के लिए एक वुडन रॉड रॉड होती है, वो भी इस तरह से, वो तो स्टेटल होती है। सर्च करना तो इसका इंग्लिश नहीं क्या होगा, सर्च करना तो इसका इंग्लिश नहीं गेज मेजरमेंट, गेज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये स्टेट एक होता है स्टील आखिर में होती है, और इसके ऊपर वो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, इसके ऊपर वो सेपरेट लेवल रखे क्या कर, तो इसको पारा पता क्या है ना। और ये जो गेम में करने वाला है इसको गज कहते हैं, जबान बोलेंगे ना वहाँ गैंगमैन के साथ, तो लिया भी गज दिखा मीट को कहेंगे लिया भी पारा फटा चेक करा, तो वो इस जबान समझे, इसलिए है कि ये इसलिए। जनरल पैरामीटर्स इसमें टॉपिक में शामिल है, ये बेसिकली तो अप्लाई होता है फॉर अ न्यू ट्रैक, जब हम नई रेल लाइन बनाने की सोचते हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, कैसे बनेंगे, उसमें ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, टोपोग्राफी, हाइड्रोलॉजी और जियो टेक्निकल। टोपोग्राफी की अहमियत क्या है, जब हम नई रेल लाइन कंसीव करते हैं ना, तो डेफिनेटली देर आर टू पॉइंट्स जिनको हम मिलाना चाहते हैं, दो शहर होंगे या दो इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ भी होंगे, दो पॉइंट्स होंगे जिनको मिलाना है, उन दो पॉइंट्स को बाई रेल मिलाना है, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स के हम उसका रूट कैसे डिसाइड करें। द बेस्ट रूट इज द स्ट्रेट लाइन, और अगर स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है जो कि वेल रेयर, और उस पर ग्रेडियंट आपको मिल जाता है सुटेबल, तो बेस्ट आउटकम। लेकिन होता यह है कि डिफरेंट कंसिडरेशन होती हैं, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस आपने मिनिमम रखना है दो पॉइंट से मिलने, ताकि कॉस्ट कम से कम हो, तो दिस इज ए विश मिनिमम रहे रहता नहीं। दूसरा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बड़ा रिलेटेड है विद द हॉलिंग पावर ऑफ द लोकोमोटिव, कि अब वो ग्रेडियंट को आप स्लाइटली तो एडजस्ट कर लेते हैं पर मेजर चेंज नहीं ला सकते उसमें, क्योंकि वो डिपेंड करता है ग्राउंड रियलिटीज पे कि ग्राउंड कैसा है, पहाड़ी इलाका है, प्लेन है, किस किस्म का है। तो ग्रेडियंट आपने पकड़ लिया कि ग्रेडियंट आप क्या रखना चाहते हैं, कितना रोड हाल करना चाहते हैं, किस किस्म की टेरेस चलाना चाहते हैं, होती है ना वो ग्रेडियंट का बनाने के लिए, ना जमीन पर तो आपको नहीं मिलता ग्रेडियंट, ये जो बनाना होता है वो कटिंग फिलिंग बना होता है, उसी की लिमिट है ना, आप कटिंग फिलिंग की लिमिट तक कर सकते हैं उसको, और अगर उसमें नहीं वो एडजस्ट होता तो फिर आप उसको कर्व्स दे के या उसका डिस्टेंस बढ़ा के या कम करके फिर उसको एडजस्ट करते हैं। सर ये ट्रैक लाइन जो है ये तो क्या कहते हैं कंडक्टर साइड करती होगी, नहीं पहले वाले को तो नहीं करते हैं कंट्रैक्टर की बात नहीं है, साथ ही है ना कि यू आर द इंजीनियर, डिजाइन तो आप ही करते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो वहां पे इंजीनियर होते हैं यार, वो ठीक है ना उसको टेक्निकल वर्ल्ड में इंजीनियर भी करते हैं, लेकिन इंजीनियर करेगा कंसल्टेंसी में करेगा, और एक बात मैं बोलूँ कंसल्टेंट करेगा, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट में हैं और आपको अपने काम का पता नहीं है तो कंसल्टेंट भी शायद आप काम से तो आप पैरामीटर नहीं बना सकते, कि पैरामीटर क्या चाहिए आप वो नहीं बन सकते, तो कंसल्टेंट से एक लिमिट तक ही आप दे सकते। उसके बाद मिनिमम कॉस्ट नेचर रिक्वायरमेंट है, और उस वक्त जो दूसरी चीज़ है कि जब आप दो लैंड को मिलाते हैं तो दरमियान में कोई बड़े शहर आ रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं, उनको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कनेक्ट करने के लिए नेचुरल रूट सीधा नहीं जाएगा, फिर वो मिलाएगा उनको आपस में, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो एक नई लाइन कंसीव करते हैं उसके लिए इसको रूट करते हैं। एनी क्वेश्चन? दूसरा है इसमें हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जब भी आप नई लाइन का सोचते हैं। हाइड्रोलॉजी में जो दो तीन चीज़ें आ जाती हैं कि बारिशें होती हैं इलाके में, बारिशों का जो पानी है उसका फ्लो क्या होता है, किधर इसके आपको लाइन ऐसे होती है बिछाते कि आप बारिश के पानी को स्टॉप कर दें और ये फिर ठंडक होती है, तो उसके लिए फिर अगर रास्ता देना है तो उसके ब्रिजेस बनेंगे और उसको निकालना पड़ेगा,
रिवर फ्लड्स तो ऐसे इलाके हैं जिसमें फ्लड जाते हैं और पानी ओवरफ्लो होता है और बाहर निकल आता है, तो उसका रास्ता भी नहीं खुला जा सकता, उसके लिए भी आपको ओपनिंग्स देनी पड़ेगी। और तीसरी जो चीज़ है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो सबसे वाटर लेवल है, कि जहाँ पे सबसे वाटर लेवल राइज हो जाए तो वहाँ आपकी एम्बैंकमेंट कमज़ोर हो जाती है, आपकी ट्रैक मेंटेनेंस की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो सबसेल वाटर लेवल को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है, और अगर सबसेल वाटर लेवल हाई है तो फिर आप अपने एम्बैंकमेंट ऐसे डिजाइन करेंगे कि उसके इम्पैक्ट कम से कम आए ट्रैक। और तीसरी चीज जियो टेक्निकल बड़ा सिंपल है कि क्वालिटी ऑफ सॉइल पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ पे ब्रिज बनना है, जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग बनना है, जहाँ पे एम्बैंकमेंट बननी है, वहाँ पे सॉइल किस किस्म की है, उसकी स्टेबलाइजेशन तो नहीं चाहिए, उसकी स्ट्रेंथनिंग तो नहीं चाहिए। समटाइम्स ये भी होता है कि सॉइल ऐसी होती है जहाँ पे तो इस काबिल नहीं होती कि उसको एम्बैंकमेंट बन पाए पास, तो समटाइम यू हैव टू इम्पोर्ट द सॉइल। इम्पोर्ट से बात यह है कि किसी और इलाके से सूटेबल सॉइल ला के वहाँ से एक्सकवेट करके उस सॉइल को निकाल के उसी को उसको फिल कर सैंड बाजेगी फिर जहाँ पे सबसे बाकी ज़्यादा था। ये सारा बेसिकली जियोटेक के इश्यूज हैं जो कि डिजाइन करना होता है। सर अगर डेजर्ट में ट्रेन चलानी हो तो उसके लिए भी ऐसे ही करते हैं? अब कुछ क्वेश्चन क्या है, क्लियर नहीं हुआ। डेजर्ट हाँ ट्रेन, लेकिन सब ये सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी, सारी चीज़ें उसमें आएंगी जितने मैं बताएंगे। क्योंकि डेजर्ट जब होता है ना तो डेजर्ट डजंट मीन कि उसमें पानी नहीं होता, बारिश होती है तो पानी होता है, फ्लो भी करता है, नाले भी होते हैं। हमारी तफ्तान वाली लाइन में हर वक्त नहीं मसला होता, तफ्तान वाली लाइन में बारिश होती है, हाँ वाश आउट हो जाती है, लाइनें वाश आउट हो जाती है, लेकिन सारा वो बिजली लाते हैं। ये अभी हमने फिजिबिलिटी की थी किसी को सर पता है इसकी थर्कोल थर्कोल माइंस हैं उनको प्लांट करना था, वो सारा पूरा का पूरा वो थर्कोल सारे एरिए में से सारा सैंड मिल गया, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे नाले हैं कि बारिश होती थी अच्छा पानी आता। ये सारी चीज़ें हर जगह अप्लाई, फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि प्लेन एरिया में ग्रेडियंट हो तो लेवल हो तो ग्रेडियंट आसान हो जाते हैं, मिलाना आसान हो जाते हैं। तो ये हर एरिया जिस तरह का या पाकिस्तान के एरिया है उसमें अंडुलेशन बहुत होते हैं, सैंड हम्स बहुत होते हैं। अब उनके ऊपर ऐसे ऐसे भी अपनी जा सकती है, तो कैसे करना है कि आप कट करेंगे फिल करेंगे, उसमें कट फिर का भी इशू है, कट में जो जब कट करते हैं तो साइडों में रेत है वो अनस्टेबल होती है, जब हवा चलेगी तो उसने ट्रैक ऊपर आ जाए, अब उसको कैसे स्टेबलाइज करना है अगेन जियो टेक का इशू है, कैसे स्टेबलाइज करना है। वहाँ पर आमतौर पर हम जो इसका स्लोप देते हैं टैंक का वो ही बड़ा ईजी कर देते हैं कि अगर हम 1:2 है तो 1:1 कर देते हैं, जितना ईजी कर सकते हैं उतना ईजी कर देते हैं, 1:6 तक का पास आउट नहीं होता। तो ये पैरामीटर्स हैं जो डिफरेंट साइड कंडीशंस के हिसाब से हम उसमें एडजस्ट करते हैं। क्या दोबारा बोलो, परमानेंट मुराद कंप्लीट कंप्लीट हो सकते हैं ना, कंप्लीट कैसे पर देखें वो तो एक इस पे जो चीज है ना मिनिमम कॉस्ट वो मीट नहीं कर सकते कंप्लीट, तो देखो बैलेंस्ड स्टैक कंप्लीट पे बनता है उसकी मेंटेनेंस मिनिमाइज हो जाता है। बट क्या होगा जो हमने प्रपोज किया ना जो 100% सैंडी एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जीरो 105 थोड़ा पोर्शन है तकरीबन 30-35-40 किलोमीटर है, बिल्कुल वही पॉइंट है ना जहाँ से हमने सर को कनेक्टिविटी दिया ना उसमें छोर अगर आपने नाम सुना हो ये मीरफा से जो जाता ना खोखरा पार आप वहीं के हैं, मैं उस इलाके में रहा हूँ अपना डिविजन इंजीनियर 4-5 साल
तो छोर से आगे सारा फिर सेंड लेंगे। इसमें क्रैक जा रहा है, कब से जा रहा है वहाँ पे, ये इशू नहीं आता कि आता है सैंड रिमूव करते हैं, इसमें भी आता है। और अगर आप ब्रीन लाइन पे भी थोड़ा सा पोर्शन नहीं, वो स्माल नहीं होती लेकिन इशू था लाइन तो है, सोचते हैं हो भी जाएगा। और ये कोल माइंस एक्टिवली चल पड़ी तो उसके दूर पड़े। ये जो छोर से थर को जाए, ये छाछों से होके जाती है या अलग? ये छाछों से, मतलब पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं है? नहीं, पैसेंजर ट्रेन जाती है, ले जाती है ना ट्रेन, ये नई लाइन बन रही है। बिफोर वी स्टार्ट ऑन इट, मैं इनको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। वीडियो दिखाओ बैलेंस्ड स्पिनिंग वाला। बैलेंस्ड का बार बार जिक्र हुआ था, और क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसको करते कैसे हैं? एक तो ये मशीन भी है, एक मैनुअल भी है। तो ये मशीन को भी है नहीं बोले ना फिगर बोले ये 80 करोड़ के बीच। और जब उसके ये लगाते हैं कस्टम मशीन वगैरह लगाते हैं तो ये करोड़ की मशीन है जी, एक मशीन पूरे पाकिस्तान के लिए, वो भी सामान ही है। हम तो स्ट्रेट लेंगे, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ट्रैक लिंक करते हैं।
ये मशीन बेसिकली बहुत महंगी, इसके ऊपर इसने टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं इसके इस्तेमाल की कि हमारे लिए इसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा ब्रीफली, इसको जब हम लेके जाते हैं ना एक स्टेशन पे खड़ी है और आपने इसको लेके जाना है ब्लॉक सेक्शन कहते हैं जहाँ पे ट्रैक को साफ करना है, तो इसको ले जाने के 10-15 मिनट तक जाने के लगेंगे, 10-15 मिनट आने के ट्रैवलिंग के लगेंगे, वो टाइम है प्लस 40 मिनट इसका है सेकेंड में। इसके नीचे आपने एक चेन चलती देखी थी बड़ी तेजी के साथ जो बैलेंस निकाल रही थी वो ऊपर लेके जा रही थी, वो चेन खुली होती है ऐसे नहीं चलती वो, और जब वो जहाँ पे बैलेंसिंग करनी है वहाँ पे वो चेन पहले फिक्स करनी है, तो उसको तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम ले डाउन है, 40 मिनट्स में कर लें या प्लस माइनस कुछ भी है। उसके बाद ही मशीन काम करती है और काम जब कंप्लीट कर ले तो उसके बाद फिर अगेन 40 मिनट्स इसका डी सेटिंग टाइम और उसके बाद ट्रैवलिंग टाइम जो है। तो जहाँ पर ये मशीन दुनिया में काम करती है तो कम अज़ कम जो ब्लॉकिंग ऑफ द ट्रैक है ब्लॉक करते लेने के लिए वो मिनिमम 6 घंटे, 6 घंटे के लिए आपको ट्रैक को बंद करना है। और लेकिन जहाँ लोग यूरोप में इस्तेमाल करते हैं वहाँ तो पूरे 24 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, कई ट्रैक होते हैं ट्रैक बंद कर दिया उसके फिर चलाते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा। अब उसमें आसानी है, हमारे ये प्रॉब्लम है हमारे पास ना तो इतने ट्रैक अवेलेबल है और ना इतना टाइम अवेलेबल है अनफॉर्चुनेटली, हम इसके इतना टाइम दें ये प्रॉपर्टी चले। और फिर तीसरी जो हमारी कमजोरी है वो हमारी मेंटेनेंस फैसिलिटीज फॉर दिस मशीन्स, मशीन हाईटेक है हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होती, जो हमारा क्रॉनिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, हम खरीद तो लेते हैं मेंटेन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए ये मशीन जिसका जिस तरह से इसका एडवांटेज देना चाहिए हम अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकते। लेकिन इसका जो अल्टरनेट है वो ये है कि हम मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल बैलेंस प्लेटिंग का अपना प्रोसेस है और काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, और उसमें बट फर्क उसका और मशीन का ये है कि क्वालिटी वाइज के मशीन की क्वालिटी अगर 100% है तो मैनुअल की क्वालिटी 70-75% 100% नहीं आती, उसकी क्वालिटी नहीं आती, बट इट वर्क्स डेफिनेटली वर्क्स। उसमें टाइम का इशू नहीं है, उसमें टाइम का इशू ये इसलिए नहीं है कि वो जब करते हैं ना तो हम जितनी भीड़ में करनी है हमने 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर में उसमें हम स्पीड लिमिट लगा देते हैं, स्पीड लिमिट मीन कि ट्रेन आएगी रुकेगी और 15-20 किलोमीटर की स्पीड पर चलेगी, उस पोर्शन में हम एक प्रोसेस ऐसे अगर मौका मिला तो मैं आपको उसको बताऊँगा। इसमें यह है कि उसमें ट्रेन आपकी चलती रहेगी रुकती नहीं, हाँ वो इंजीनियरिंग आते हैं स्टॉप डेट हम कहते हैं स्टॉप डेट लगा के और 15-10 किलोमीटर स्पीड गाड़ी को निकाल लेते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन उसमें जो दूसरी पाबंदी होती है ना कि आमतौर पर अब हमारा मेन लाइन सारी वेल्डेड ट्रैक है, वेल्डेड ट्रैक में ये काम करने के लिए ना बड़ा देखना पड़ता है टेम्परेचर सूटिंग, अगर हम ऐसे टाइम पे ट्रैक को छेड़ दें जब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बदल हो जाए, क्योंकि जब ये मशीन काम करती है बैलेंस निकालती है तो ट्रैक कमज़ोर हो जाता है और वो ट्रैक कमज़ोर होगा तो फॉर्म वो बदल हो जाए, इसलिए वो टेम्परेचर भी देखनी है भी देखनी है। आपने बकल वर्ड बड़ा छोटा सा इस्तेमाल किया, ये मैंने कल स्क्रीन किया किया था बकल कम साइज की गंदी चीज कोई बकलिंग जितनी गंदी चीज कोई हां बहुत डेंजरस है बता ऐसे तो बकलिंग मैं समझा रहा हूं इसको मैं बकल का साथ लेता ही हूं क्या बनेगी हाँ जी बंद करनी पड़ेगी उसमें जो प्लानिंग है जो मतलब एग्रीड बाई ऑल कह लें दैट सेंस, तो यह है कि डबल लाइन है ना हम ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का पोर्शन अराउंड 50 किलोमीटर वो बंद करके दे देंगे और जो दूसरी लाइन बचेगी उस सिंगल लाइन वर्किंग उस पर नंबर ऑफ टेम्परेरी स्टेशन हम बढ़ा लेंगे ताकि नंबर ऑफ ट्रेन उस पर चलती रहे हैं जितनी चल रही है उतनी चल रही है हमारी मेन लाइन पर ट्रेन चलती है और इतने की गुंजाइश बन जाती है कुछ तो। लेकिन उसमें हमें एडवांटेज ये होगा कि चाइनीज के पास मशीनरी है काम करने की, उनकी एक्सपर्टीज है, उनका तजुर्बा है, तो वो बड़ा फिल्मी काम करते हैं चाइनीज में, हमारे पास इनाउस ना कोई पैदा हुआ है और ना पैदा होने देते हैं। और दूसरी बात है कि चाइना बहुत एडवांस हो गया है, चाइना कंपनी इतनी ह्यूज कंपनी है
ट्रैक का काम करती हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई भी कंपनी नहीं, इंजीनियर्स उनके होंगे और हमारे जो हमारे साथ उनकी जो सेटलमेंट हुई थी उसमें लेबर उम्र 78% मान इंजीनियर देखो बाकी पैसे भी वो दे रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टर्स भी उनके हैं, टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। इसका मेरा जवाब बेहतर खतर साहब दे चुके हैं, इज द मास्टर सी करके ना, तो वो कुछ कंडीशन थी जिसकी वजह से वो आ रहे थे। डिटेल में हम बात करेंगे। हाँ, वो टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास बिल्कुल नहीं, उसमें उनका रेशो ज्यादा है चाइनीज का। हमने बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़के ना, बहुत हमने कहा कि ये पाकिस्तानी इसमें हम तकड़े, फॉर एग्जाम्पल सिविल वर्क्स में हम तकड़े, व्हाई शुड वी हैव चाइनीज ब्रिजेस में ट्रैक में, जब सिग्नलिंग और जब सोफिस्टिकेटेड गैजेटरी आती है जो हमें समझ नहीं आती, और अल्लाह का फजल है रेलवे में। इसीलिए तो आपको काबिल बना रहे हैं। हाँ, आप लोग हो गए पढ़ते आएंगे तो कर सकेंगे, हमें करना चाहिए। देखो मरना तो फिर हमें परमानेंटली पाकिस्तान दे दे चाइनीज को दे देंगे, इसका मतलब नहीं है। Is the orange line? We should not think about it like this. Question क्या था? यही थे? अच्छा, इसी Chinese से एक और भी है, Chinese का advantage भी है उनके साथ, ठीक है ये भी कि वो जो अपने labour आते हैं तो normal labour नहीं होती, वो उनके कैदी होते हैं, उनको ले आते हैं, उनको सस्ते पड़ते हैं, ऐसे ही करते हैं। सर expertise भी तो हुई है। हाँ नहीं, unskilled की बात, unskilled की बात, स्केल तो उनके बाद इंजीनियर या टेक्निशियन अनस्केल की बात। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? हमारे के इस्तेमाल होते हैं इसका, हमारे के नहीं, हमारे के इस्तेमाल नहीं होते, लोगों के घरों में होते हैं। अरे कह दिया है सारे भाग जाएंगे, वो पकड़ेगा कौन, वो एक और मैं आपका केस बनेगा। एक तो ये वीडियो दिखा रही थी, दूसरा एक वीडियो और है, अगर ट्रैक मेंटेनेंस में आती है ना, जिसमें बात हुई है कि क्रॉस लेवल गेज कैसे मेंटेन होता है। बेसिकली जो स्लीपर हैं, स्लीपर की पैकिंग हम लोग बोलते हैं, पैकिंग कैसे करते हैं, जब वो लूज हो जाता है ना, बैलेंस नीचे स्लीपर नीचे लूज हो जाता है, और जब लूज हो जाता है तो उसका लेवल खराब हो जाता है। उसको लेवल पर दोबारा लाने के लिए पहले तो मैनुअल हिस्सा आती है, मैनुअल करते हैं, मेजर करते हैं। वो ये है कि जब से हम पहले वुडन ट्रैक होते थे, हल्का होता था, वजन उसका कम होता था, मैनुअली पॉसिबल था, आसान था और ठीक होता था। उसको जब से हमने कंक्रीट ट्रैक डाला है तो वजन उसका बहुत बढ़ गया, और वजन बढ़ने से और फिर रेलें भी हैवी आ गई हैं, तो अब वो मैनुअली करते तो अभी हैं उसको, लेकिन उसमें वो क्वालिटी जो आनी चाहिए ना वो नहीं आती, नुकसान ज़्यादा होता है, वो कॉन्क्रीट स्लीपर टूटते हैं मैनुअल करने से और सारे मसाइल होते हैं। उसके लिए मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, और मशीनें काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मशीनें मेन लाइन की हद तक इस्तेमाल होती है, ब्रांच लाइनों पर तो उनका टाइम ही नहीं मिलता। तो वो भी एक मशीन ज़रा देख लें आप उसको, तो उसमें वो क्वेश्चन है। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जब आप फील्ड में जाएंगे ना, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है वहाँ, वेल्डिंग कैसे होती है आपने देखनी है वहाँ, बैलेंस फिटिंग कैसे होती है आपने देखनी है वहाँ। अब ये मशीन दिखा रहा हूँ, ये भी आपने देखनी है वहाँ, ये कैसे
ये हर एक चीज के पीछे बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ये मशीन जो है पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान की मशीन है जो दिखाई आपको, पाकिस्तान में काम कर रही है और ये मशीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंस लेट 60s। ये तो 1500 है माशाल्लाह, लेकिन कितनी ठीक है ये मैं नहीं कह सकता। है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ पता लगा, बिल्कुल लगा सकते। तो इस ये जो मशीन है ना, ये जो तीन मेजर पैरामीटर हमें देती है, एक तो लूज पैकिंग उसको ठीक करती है, क्रॉस लेवल उसको ठीक करती है, लॉन्गिट्यूडनल लेवल उसको भी ठीक करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल लेवल को ठीक करने मतलब अलाइनमेंट को ठीक करती है। क्या यूज नहीं थी पुरानी नहीं पारा तो उसके बाद चेक करेंगे ना उसको, ठीक है वो तो बाद में ट्रैक का चेक करना ना आपने बाद में। तो दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। इसके नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि उस मशीन के पीछे कुछ स्टाफ होता है जो कि चेक करता होता है कि आया मशीन ठीक भी कर रही कि नहीं कर, काम सही कर भी रही कि नहीं कर, होता है वो पारा पट्टा जो है वो चेक वो होता है। तो दैट इज पार्ट ऑफ इट। और ये मशीनें आमतौर पर तो कंप्यूटराइज आती है सारी, और इनका जो एक्चुअल प्रोसीजर है कि बिफोर यूजिंग दिस मशीन ट्रैक का एक सर्वे होता है, वो सर्वे जितने पोर्शन में आपने उसको मेंटेन करना है उसका एक सर्वे होता है जिसमें लेवल्स लिखते हैं स्पॉट के क्रॉस लेवल देते हैं, वो डाटा फीड कर देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर फिर ऑटोमेटिकली मशीन को कंट्रोल करता है और वो लेवल सारे एडजस्ट करता है और उसको जो परफेक्ट कंडीशन जो उसमें देता है। ये मशीनें बड़ी यूजफुल है, इनसे इतना एडवांटेज जितना हमें लेना चाहिए हम फिर नहीं ले सकते। टेंडर हर्सिस क्यों देना पड़ता है उसका तो कोई इलाज नहीं है। हमारी इतनी वर्कशॉप है जो उसको मरम्मत करती है, लेकिन मरम्मत करते हैं लेबर खर्चे के लिए, तो उसका स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे उसमें टेंडर करते हैं। ये प्रॉब्लम है जो आप फेस करेंगे सरकारी महकमों की वजह से, इनसे छुटकारा भी नहीं है। ये बस उसके बाद अब आ जाते हैं टॉपिक पे, इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ें ब्रॉडली शामिल है उसमें लैंड है, उसमें ट्रैक है, ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, सिग्नलिंग है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, मैकेनिकल मेंटेनेंस शेड्स हैं, इनसे मुराद एक लोकोमोटिव शेड्स हैं या कैरेज शेड्स हैं, सिक लाइन्स हैं, वॉशिंग लाइन्स हैं, स्टेशन ऑफिस, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, अदर सर्विस बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं। अब रूम है, जमीन है, वो दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। ये है हमारा बेसिकली पाकिस्तान के जो बिजनेस से हम आ गए हैं, बात हम करते हैं नॉर्मली। और इससे जो अगली स्लाइड है वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आपको इसी नक्शे पे बताऊंगा सारी की जो क्लासिफिकेशन हमारी दो तरह से होती है, प्राइमरी ए सेक्शन, प्राइमरी बी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, टर्शियरी सेक्शन, मीटर गेज, नैरो गेज। ये हमारी डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी। क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या होती है? गेज, नॉट गेज, नॉट गेज। क्लासिफिकेशन की बुनियाद होती है कि हाउ मच ट्रैफिक टू मूव, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर वो हैवी है तो प्राइमरी ए होगी, मतलब हमारी कराची लाहौर या कराची पिंडी पेशाब, ये प्राइमरी ए में जैसे हमारी अल्टरनेट लाइन है कोटी दादू कोट तक है, वो प्राइमरी बी में आती है। क्या था परसेंटेज जो मुझे इस वक्त नहीं याद है, मैं निकाल दूंगा आपको मिल जाएगा। दैट इज पॉसिबल और पता होना चाहिए जो प्राइमरी ए बी और ये सेकेंडरी टू। हां तो देखो ना, जैसे उधर बलता 1800 किलोमीटर तो हमारा है ना कराची पेशावर, तो डिवाइड बाय 7000 से डिवाइड कर दे परसेंटेज उसको निकल आएगा क्या, बाकी निकल आएगा।
सेकेंडरी पर हमारी ब्रांच लाइन था तो ट्रैफिक है, चलती है और इस्तेमाल हो रही हैं। टर्शियरी लाइंस हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, उसकी मिसाल मुझे इसको आजकल बंद है कि नारवाल चकमरो एक लाइन जाती थी, टर्शियरी लाइन लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ब्रॉड गेज है, ये चारों जो कैटेगरीज है ना ये ब्रॉड गेज। उसके बाद जो है मीटर गेज और नैरो गेज। अब मीटर गेज नैरो गेज तो हमारी खत्म हो चुकी है, इसको मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के लिए कि कौन सी लाइन पे कितनी ट्रैफिक है, इम्पोर्टेंस ट्रैफिक की है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक क्या है, बिजनेस कितना है, बहुत सारी चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वो प्राइमरी है। उसके बाद इसमें जरा कम है वो प्राइमरी की है और कम प्राइमरी सेकेंडरी है, सबसे कम है उत्कर्ष, ये उसके ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से। लेकिन इसके नतीजे में ट्रैक स्ट्रक्चर फैसला होता है, इसके नतीजे में जो ट्रैक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता था पहले, अब तो हमने तक यूनिफॉर्म ही कर दिया है। पहले होता था कि प्राइमरी ए लाइन जो है वो 100 पाउंड की रेल डलेगी, उसके ऊपर सबसे हैवी उसकी वो थी और स्लीपर डेंसिटी। अब स्लीपर डेंसिटी पढ़ी आप लोगों ने, एन प्लस सेवन का क्या मतलब है सर, क्वांटिटी ऑफ रेल और लेंथ ऑफ रेल। दोबारा बोले ठीक, क्वांटिटी ऑफ रेल और लेंथ ऑफ रेल, क्वांटिटी ऑफ रेल क्या मतलब है, लेंथ ऑफ रेल प्लस वो एक इलाके के कारण उसको नंबर दिया जाता है। एंड प्लस सेवन व्हाट इज एन, लेंथ ऑफ रेल, लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स, लेंथ ऑफ रेल इन फीट, मैं तो फ्रेज इन फीट, यहाँ पे हम अंग्रेज बन अंग्रेज होती है। तो आमतौर पे हमारा जो स्टैंडर्ड था वो 42 फीट की रेल थी, लेंथ ऑफ रेल इन फीट इन यार्ड्स, सॉरी यार्ड ऑफ मीटर बराबर होता है, इस्तेमाल कर रहे थे हम, अब ये स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये इस बात का स्टैंडर्ड कि एन इज द नंबर ऑफ यार्ड, 42 फीट रेल थी, 14 यार्ड हो गया था और 14 प्लस 7 21, इसका मतलब है कि एक रेल में 21 स्लीपर है और 42 फुट की रेल है, 21 स्लीपर होंगे तो ऑटोमेटिकली 2 फीट सेंटर टू सेंटर स्लीपर। This was the standard for primary A. इसके बाद जो दूसरी लाइनें थी primary B, secondary, loop line, station loop, उनके ऊपर density कम होती चली जाती है। ये number 7 है ना, ये vary करता था 1 से लेकर और 7 तक। N plus 1 भी density होती है, N plus 4 भी होती है, N plus 7 भी होती है। अब जो है यूनिफॉर्मली अब एन प्लस स्टैंडर्ड करते हैं, अब हम स्टेट अवे हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है, जो एग्जिस्टिंग है वो 2 फीट सेंटर सेंटर के हिसाब से और ML1 में इसको थोड़ा सा और क्लोज कर, तो वो थोड़ा सा उसके हाथ से चेंज होता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है मेन लाइन के लिए, ये रनिंग लाइन के लिए, लो लाइन्स के ऊपर आप बेशक ईजी कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर डैम टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को अब ये आपकी पॉलिसी है कि आप किसको प्रेफर करते हैं, आपके पास पैसेंजर ज़्यादा है, पास फ्रेट ज़्यादा है, ये आपकी अपनी। अब इसमें जो ये लाइन है ना हमारी फ्रॉम कराची, ये जो ब्लैक नज़र आ रही है ये लाहौर है, ये मुल्तान है,
इसको हम कहते हैं ये पोर्शन का ना, जिसको हम कहते हैं लूप लाइन, ये कहते हैं कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन ये लोधरा से सीधे खाने वाली जाती है, लूप लाइन वाया मुल्तान होकर जाती है, और ये लाहौर तक अब ये ब्लैक में है, तो ये अब डबल लाइन है सारा। कॉर्ड लाइन सिंगल लाइन है, लाहौर से आगे फिर जब हम जाते हैं तो रावलपिंडी और पेशावर तक ये सिंगल लाइन है, लेकिन प्राइमरी ए है। सिंगल लाइन और डबल लाइन क्या फर्क है? सिंपल बात है, सिंपल लाइन एक लाइन जा, दो लाइन जा रही है, तो आने जाने की अलग होती है, डबल लाइन अलग होती है, और सिंगल लाइन जो ऑपरेट कैसे होती है? अब ये तो वो मैं आपको दिखाऊंगा ऑपरेशन खटक साहब, अगर थोड़ा सीख जाओगे बस छोड़ो, कल जाओ वापस। अच्छा हो गया, तो करेंगे क्या? हां ये ऑपरेशन तो ऑपरेशन आप ऑपरेशन तो पूरा एक कोर्स है, नाम ही सीखा कि सिंगल लाइन पे कैसे चलते हैं, डबल लाइन पे कैसे चलते हैं। लाहौर से पेशावर तक सिंगल लाइन है? लाहौर से पेशावर सिंगल लाइन, स्मॉल पोर्शंस इन बिटवीन डबल लाइन के, बट लाहौर से शाहदरा डबल है, और चकलाना से पिंडी और पिंडी से गोलरा ये डबल, ये सिर्फ डबल, बाकी सिंगल है। उसकी भी वजूहत है हर एक चीज से, सर वो पंजाब तक जा रही है, नहीं नहीं वो पोटेंशियल है, प्लान है, इज बिट मोर टेक्निकली वायबल है, जिस तरह ये गवर्नर है, ये सारी प्लान है, डॉटर लाइन जो है ना, ये फ्यूचर प्लान है एक तरह से। ये लेगा लैंड है इसका? नहीं लैंड नहीं, लैंड तो खरीदने लैंड तो खरीदने यार, ये तो पहाड़ी इलाका है, हाँ यहाँ पे तो नेरो बेस बनेगा, नहीं रोड बनेगा, the only thing is that cost of the sasta pata broad gauge mein broad gauge the plan actually jo abhi tak koi hai ki ye banega standard gauge from china punjab up to haveli standard gauge banega haveli mein dry port plant hai aur wahan pe ye broad gauge karenge स्टैंडर्ड गेज दुनिया में पहाड़ी इलाकों में इतनी रेलवे लाइन बन चुकी है, समुद्र के नीचे लोगों ने लंबे लंबे टनल्स बना ली रेलवे की। चाइना लासा ले गया तिब्बत में, तिब्बत तो चली गई, 400 किलोमीटर है परमानेंट फ्रॉस्टेड ग्राउंड, यानी 12 महीने वो फ्रॉस्टेड फ्रोजन ग्राउंड पे उनकी ट्रेन 400 किलोमीटर में चलती है, दुनिया बड़ी आगे चली, दुनिया बहुत आगे चली। अंडर सी टनल्स बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इशू नहीं है सी को क्रॉस, बट थिंक अबाउट आवर सेल्फ, हम कहाँ एंड द बेस्ट पार्ट इज हम किसी से कम नहीं एक्सपेक्ट, जितना भाई यहाँ बैठा हूँ, दिस इज एज गुड एज एनी चाइनीज इंजीनियर, अपॉर्चुनिटीज मिलने की बात, अपॉर्चुनिटी मिले बनाए। इस तरह से ये सेकेंडरी लाइन हमारी ये जो जा रही है ML2 ये ML1 है जो ब्लैक है सर, ये ML2 है, तो जैकवाबाद, जैकवाबाद से फिर ये राजनपुर, राजनपुर डीजी खान, डीजी खान से फिर ये कोटद्दू, कोटद्दू से फिर ये बक्कर कुंदिया, और कुंदिया से फिर ये अटक जाके मिल जाते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ दिस इज ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, सारे सिंगल लाइन है, हम सारे सिंगल सिंगल है, यही सिंगल है, थैंक यू लाइन होता है, हम बहुत कम आज तक मैं बंद पड़ा ही नहीं, वो जा रही है ट्रेन तो जा रही है, मेरे बंद कुछ मूव टू जब बाद बंद, अच्छा
नहीं वो शेल्फ ऑन फटिक नहीं आती इधर से नहीं लगने जाता शाबाश सुना है मैंने पहले शेल्फ ट्रेड ना खराब हो गए बस उसके बाद फिर ये सेकेंडरी लाइन ये भी है रोडी टू सिब्बी क्वेटा ये भी सेकेंड लाइन में आती है फिर ये ट्रेशन लाइन में आ जाती है जैसे तारा साहब को फिर यहाँ से ये नारोवाल नारोवाल से चकमुर को एक लाइन जाती थी ये पसूर को एक लाइन जाती है ये ट्रेशन लाइन्स में आ जाती है इस तरह की अनइम्पॉर्टेंट लाइने ये मीटर गेज की लाइने थी जो ग्रीन है ये इस वक्त बंद पड़ी हैं ये जो ये हैदराबाद से ये खोखर पार जा रही थी ये भी मीटर गेज है जिसको बाद में कन्वर्ट किया हमने ब्रॉड गेज में अब ये ब्रॉड गेज है और ये प्राइमरी बी में आ जाएगी मेरे ख्याल में ये क्लासिफिकेशन में बलूचिस्तान ये है ना जो जाता है ये रोडी से जा रहा है ना रोडी से सिब्बी सिब्बी से क्वेटा और क्वेटा से फिर वो चमन है और ये फिर बॉर्डर के साथ साथ ईरान की तरफ जाहिर है लेकिन 2010 में जब फ्लड आए थे ना तो वी रिसीव 14 ट्रेन्स फ्रॉम टर्की राइट फ्रॉम टर्की टू सॉरी क्वेटा मे बी न्यूज़ फॉर यू 14 रिलीफ ट्रेन्स केम ऑल द वे फ्रॉम टर्की वाया ईरान इनटू क्वेटा आगे फिर फ्लड से तो नहीं जा सकते फिर हम ट्रकों से लेकर हाँ आपको बताया था ये इशू इतना है नहीं डिस्कशन करेंगे और वैसे भी ये जैसे बताया ना ये से चले आई हमने इस्लामाबाद टू अंकरा भी एक ट्रेन चलाई थी मालगाड़ी जो 14 दिन में पहुंची थी और इसी तरह से चल सकती थी बट जो इशू है वो है नियतों का इरादे का कमिटमेंट का जब हम करना चाहेंगे क्योंकि इस ट्रैक की हालत बहुत ख़राब है जो ये पहले चलता था जब नजर अच्छी थी अभी ईरान ने भी अपनी तरफ से भी जाती है इसके ऊपर मशहरी बड़ा ज्यादा दोनों के लिए इस पे क्वेश्चन किसी का स्टेशन ले आउट क्या अगर हम स्टेशन प्लान कर रहे हैं कहीं बनाने के लिए उसका लेआउट में क्या क्या फैक्टर्स काउंट होंगे सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट है कि वो क्यों बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्या बनाने का वेदर इट इज फॉर पैसेंजर्स वेदर इट इज फॉर फ्रेट और वेदर इट इज ओनली फॉर ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द स्टेशन हमारे जो होते हैं छोटे ऑपरेशनल होते हैं वो पैसेंजर फ्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पहले से हमें पता हो कि हम स्टेशन को प्रपोज कर रहे हैं बनाना चाह रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं दूसरा फिर उसको जब डिज़ाइन करते हैं स्टेशन का तो उसमें ये चीज़ देखने की उसकी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कितना है कितने पैसेंजर वो हैंडल करेगा स्टेशन कितने
फ्रेट हैंडल करेगा, उसी हिसाब से वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो बनेंगी पैसेंजर्स के लिए या फ्रेट के लिए, वो उसी हिसाब से डिज़ाइन होगी सर। सर ये जो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी पढ़ाया है, आपने कहा एक क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम जी, लेकिन सर हमने पढ़ा था ये वाल्टर में कीवे में कि ये एक वहां पे हमने पढ़ाया था इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ स्लीपर डेंसिटी एंड करेक्ट अब तो आप मैंने पहले बताया था आपने शुद्ध गुरु सुना नहीं कि डिपेंड करता है जो क्लासिफिकेशन वो डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पे, और जब वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पे आप डिसाइड कर देते हैं कि प्राइमरी ये है प्राइमरी बी है, तो ट्रैक का स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी भी सेक्शन को सेकेंडरी टर्शियरी करार दे दें और उस पर 100 पाउंड क्रेडिट लगा दें, ये आप सोचा रिवर्स आमतौर पर हमारे जो है ना पीडब्ल्यूआई लगा रहे हैं ना उनके अंडरस्टैंडिंग यही होता है कि तो 100 पाउंड का टैग है ये प्राइमरी ही होगा, नॉट लाइक दिस, ये उनकी थिंकिंग है कि उनको उससे ज़्यादा उनको अंदाजा नहीं होता है प्राइमरी ए प्राइमरी बी सेकेंडरी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पे है उसकी इम्पोर्टेंस पे। बेसिकली लॉजिकल भी यही बनता है कि आपने किस लाइन को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है और फिर ट्रैक स्ट्रक्चर उसके हिसाब से डिजाइन होता है। उसकी बात भी सही है, मैं कह रहा हूँ पीडब्ल्यूआई की बात भी सही है, उसके हद तक यही है ना, उसके हद तक यही। मैं कल भी आपको कहा था कि बात ये कि कहाँ से आप चीज को देख रहे हैं, अभी आप यहाँ ऑफिसर्स हैं, योर इंजीनियर्स हैं, यू हैव टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ बिगर एंगल, वो बिगर एंगल अभी आपको बता रहा हूँ कि ट्रैफिक इज द वॉल्यूम्स ऑफ ट्रैफिक विल डिटरमाइन व्हिच काइंड ऑफ ट्रैक यू वांट, उसके बाद जब वो चीजें डल जाएंगी फिर वो पीडब्ल्यूआई आपको कहेगी कि एन प्लस सेवन है तो ये प्राइमरी ए होगा, बट प्राइमरी ए आपने बनाया क्यों है, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर इज द ट्रैक, वरना व्हाई शुड यू हैव प्राइमरी ए इन अ प्लेस जहां एक ट्रेन जा रही है दो ट्रेन जा रही है, अब ठीक है एंड काफी हां यानी इसका सिंपल अगर आप समझना चाहते हैं ना एक थॉट प्रोसेस लॉजिक है कि आप दो स्टेशन को दो शहरों के दरमियान रेल लाइन डालना चाह रहे हैं, दो पॉइंट्स को रेल लाइन डालना चाह रहे हैं, आप कैसे फैसला करेंगे कि इस पर कौन सी रेल डालनी है कौन सी स्लीपर डेंसिटी डालनी है, कैसे फैसला करेंगे, यू हैव टू डिसाइड ना कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पर करेंगे ना, बस पहले क्लासिफाई करेंगे उसको किस लेवल का ट्रैक आपको बनाना है, इट हैज टू बी प्राइमरी ए प्राइमरी बी सेकेंडरी, उसकी फिर आप स्पेसिफिकेशन क्लासिफिकेशन देंगे। वॉल्यूम सर पाकिस्तान में टर्शियरी भी है उसमें तो सर वो हमें ये पता गया था उसमें मीटर गेज नैरो गेज नहीं, मीटर गेज नैरो गेज टर्शियरी में नहीं आता, टर्शियरी में भी यही गेज नहीं वो डिफरेंट सुनामी डिफरेंट है, मीटर गेज नैरो गेज डिफरेंट है, ये जो प्राइमरी ए प्राइमरी बी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रॉड गेज टर्शियरी ब्रॉड गेज, मैंने मिसाल दी थी आपको नारोवाल चकमरो एक लाइन जाती है अंकल बांध वो तस्वीर लाइन, उसके बाद फिर देखो बात ये कहाँ क्या आप बात कर रहे हैं, मेन लाइन ML 1 2 3 ब्रांच लाइन ये भी एक टर्म है, सब्सिडरी लाइन ये भी एक टर्म, तो ये डिफरेंट एंगल से आप जब देखते हैं तो उस तरह बात उसके अलावा ये अभी आप टेक्निकल बात हाँ लेकिन बात उसके अलावा देखना और भी क्लासिफिकेशन है, मतलब साइडिंग्स साइडिंग्स ना प्राइमरी है ना प्राइमरी बी है ना सेकेंडरी है ना टर्शियरी, इट इज अ साइडिंग, उसको पर्पज ही डिफरेंट है, उसका नाम साइडिंग है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ये सारा है ब्रॉड गेज। वो मार्केट सर्वे बेस्ड बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट सर्वे किया जाता है पहले क्या पोटेंशियल क्या है, क्योंकि ये एक अलग साइंस है और ये ऐसे साइंस है जो आमतौर पर बहुत कम लोग पाते हैं, इसके एक्सपर्ट कम मिलेंगे लेकिन है रेलवे में बड़ी कमी, रेलवे में तो है ही नहीं कोई, हमने भी जो थर्कोल का किया था नेस्पास से कराया, ऐसे अजम्पशन नहीं होती, ऐसे आप उसको अजम्पशन कहना चाहें जो उसके असेसमेंट है दैट इज अनदर थिंग, बट ये दे हैव ए साइंटिफिक प्रोसेस, उनके बड़े प्रोसीजर्स हैं जो वो फॉलो करते हैं, बसों को जाके गिनते हैं, ट्रकों को गिनते हैं, ट्रेनर्स मिलते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ देखते हैं किस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी जगह की और उस उनके एप्टीट्यूड क्या है उनकी टेंडेंसीज क्या है बहुत कुछ देखते हैं, रोड की अगर पे काम करते हैं फ्यूचर क्या होगी कौन से लोग इस रोड पे शिफ्ट होंगे कौन सी नई एग्जैक्टली एग्जैक्टली के रोड पे अगर 100 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या चांस है कि 100 में से 40 आ जाएंगे आपके, ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को और करते हैं सारा
तो सारा करके बेसिस के ऊपर बनाते हैं, ऐसे नहीं होते। उसके बाद तक चीज आई थी कि जब आप स्टेशन है तो जमीन कितने अवेलेबल है, मिलेगी या नहीं मिलेगी जमीन, काफी किस साइज का स्टेशन बनाना है आपने, कितनी वहाँ पर ट्रैफिक हैंडल करनी है, और फिर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से मुराद ये है कि नॉर्मल जो ट्रैक ना उसका मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट 1 in 100 या 1 in 200 आमतौर पर, नॉर्मल 1 in 200 है, घाट सेक्शन में 1 in 100 है, और इक्वेटर मीन में 1 in 33 तक। स्टेशन जो होता है ना स्टेशन यार्ड, वो 1 in 400 या उससे ईजी है, वो इस ग्रेड पर स्टेशन नहीं है, डिफरेंट रीजन्स हैं वो किसी को कर सकते हैं, बट स्टेशन के लिए आपको फ्लैटर एरिया है। तो जहाँ पे आप स्टेशन प्रपोज करते हैं आया वहाँ पे आपको फ्लैटर एरिया मिल भी रहा है कि नहीं, वहाँ पे आप स्टेशन बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। स्पेसिफिक अमेनिटीज क्या आप बना रहे हैं जगह पे स्टेशन, वहाँ पे आपने स्टाफ ही रखना है, पोस्ट करना है, स्टेशन मास्टर होंगे, जैसे स्टाफ होगा, सिग्नलिंग होगी, दूसरी होगी। अब वहाँ उनके लिए कोई रिहाइश, कोई बिजली, कोई पानी, कोई स्कूल क्या अवेलेबल है, कौन वहाँ जा के रहेगा, ये सारी चीज़ें भी नहीं करना होती। और अगर नहीं है तो फिर बहुत उसको कैसे करें। और फिर ये जो चीज़ है एच आर अवेलेबिलिटी की, उस जगह पे जहाँ पे आप बना रहे हैं वहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स भी मिल जाएगी, तो फिर दो स्टेशन आएंगी कहाँ से जाएंगे कहाँ से ट्रेन करेंगे। ये सरपोर में जो हमने ये किया डिजाइन इशू आया कि लोग कहाँ से आएंगे, जिनको स्टेशन पहुँचना है, दूर दूर आबादी में नज़दीक आबादी भी नहीं है, ट्रैक से कोई आबादी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, अब रोज़ाना 10-15 किलोमीटर पर आना जाना वायबल होगा नहीं होगा, तो ये इशू भी आते हैं। तो ये फैक्टर रफली ये आप सारे देख के और फिर स्टेशन लेआउट का फैसला करते हैं कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा। और फिर उसके बाद स्टेशन पे जो फैसिलिटीज होती है, स्टेशन के फंक्शंस हैं, स्टेशन पे होता क्या है, स्टेशन चाहिए क्यों आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रैफिक कंट्रोल, कि जो ट्रैफिक है मूवमेंट ट्रेनों की इनकमिंग आउट गोइंग, लाइन क्लियरेंस को कहते हैं देनी है, यार्ड में शंटिंग करानी है, यार्ड में प्लेसमेंट करनी है, अगर लोडिंग अनलोडिंग है तो उसके लिए ट्रेन उसमें गाड़ी को प्लेस करना है, पैसेंजर्स लोड पैसेंजर्स ने अगर करना करना है उनका सामान अगर है उसको लोडिंग अनलोडिंग कैसे हो, क्या क्या फैसिलिटीज भी आपको चाहिए। तो ट्रैफिक कंट्रोल एक बेसिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेशन की। उसके बाद फिर पैसेंजर क्या अगर स्टेशन है वो तो पैसेंजर फैसिलिटीज, पैसेंजर लाइन्स विद प्लेटफॉर्म कितने बनेंगे, कितना ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, फ्रेट हैंडलिंग है तो उसके लोडिंग एंड लोडिंग की फैसिलिटीज, ट्रेन फॉर्मेशन की फैसिलिटीज और शंटिंग एरियाज, और उसके बाद फिर कमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ पे, या जब वो पैसेंजर स्टेशन है तो वहाँ पे कमर्शियल लोगों को कुछ फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, कुछ इंक्रीज वगैरह या जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे अब जो वैगन्स होती हैं फ्रेट वैगन्स उनको आप लोड कर लेते हैं, लोड करने के बाद अब एक आमतौर पर पहले तो पॉलिसी होती थी ट्रेन चलती थी एक स्टेशन से एक ओरिजिन स्टेशन से, तो उसमें वैगन डिफरेंट डेस्टिनेशन की लगी, तो कराची चली है तो उसमें आपको पता लगेगा कि वैगन कुछ शिखर में या हैदराबाद में डिस्कनेक्ट हो गई है, रोड़ी में होनी है, कुछ समस्या में होनी है, कुछ अनिमाल में होनी है, कुछ घर आना है, तो ये जो प्रोसेस है ना वैगन को काट के निकालने का या लगाने का उसको शंडी कहते हैं, तो शंडी करके ट्रेन फॉर्मेशन होती है। हमारा जो सब बना था मार्शल यार्ड की पे एक जमाने में बहुत बड़ा यार्ड है, उस जमाने में तो मोस्ट मॉडर्न यार्ड था, वो बेसिकली इसी पर्पज़ की बात है, उसमें ट्रेन फॉर्मेशन तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पोर्ट थी हमारी कराची पोर्ट वहाँ पे लोडिंग होती थी वैगनों की डिफरेंट डेस्टिनेशन से, लेकिन ट्रेन फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होती, वो पे वैगनों को लाते थे पिपरी में मार्शल यार्ड में, वहाँ पर शंटिंग ऑपरेशन करके ट्रेन फॉर्मेशन करते थे और डेस्टिनेशन वाइज इन्होंने बनाते।
अब ये कंपैरेटिवली ये प्रोसेस कम हो गया, खत्म तो नहीं होता, कम हो गया, जो कि अब पॉलिसी है रेल की वो आमतौर पर पूरी चेन एक ओर से एक तरह से ब्लॉक रोड के ब्लॉक रोड। क्वेश्चन किसी का? सही पास्ता में कितना स्टेशन है रोड? वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एट दिस स्टेज, ये भी अलग के बाद आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज भी ना हो जाए कि एप्लीकेशन में रफ्तर हो जाएंगे क्या मुश्किल काम है। उसके बाद ये चीज़ है जी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। अब ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपने जब फील्ड में जाना है इसका बड़ा माइन्यूटली देखना है, पर्पज इसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है क्या है इसका, कि ट्रेन को डाइवर्ट करना है, इधर से ट्रेन आ रही है वो इन सीधे जाना है या उसने इस तरफ जाना है। इसके डिफरेंट हिस्से हैं तो पहले पूछ रहे थे, इसमें बताया था ये टो है जो बिल्कुल कॉर्नर सा होता है, दरमियान में ये भी ये दो टोज अब इसकी बनती है, ये दरमियान में एक रॉड लगी है इसको स्ट्रेचर बार कहते हैं। इसका पर्पज ये है कि जब दोनों मूव करें इकट्ठे मूव करें अलग अलग मूव ना करें। स्विच के दरमियान और क्रॉसिंग के दरमियान जो रेल होती है ये इसको हम स्टॉक रेल कहते हैं, ये एक एक्स्ट्रा रेल लगी होती है शक्ल, इसको हम चेक रेल कहते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि जब ट्रेन इस जगह से गुजरती है यहाँ पे आके जर्क लगता है हमेशा क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसा है, तो उसकी वजह से ये व्हील जो है ये डिलेल ना हो जाए, उस डिलेमेंट को बचाने के लिए दोनों तरफ एक चेक रेल लगा दी जाती है, क्योंकि व्हील का जो फ्लैंज है वो फिर इसके अंदर मूव करता है और ख़तरा नहीं रहता उसका। दिस इज द क्रॉसिंग, इसको जो ये फिर इसका गेम विंग रेल्स और ये चीज़ें आप सारी किताबी हैं आपको पता लग जाएगी, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट बताने वाली चीज़ है कि हाउ टू क्लासीफाई इट, हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तीन स्टैंडर्ड हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, तो ये थोड़ा सा टीडियस टॉपिक तो अच्छा ब्रेक ले लें, इनको पता चल गया कि आखिरी स्लाइड है ना, पता लेक्चर में लिया है ना पहले से ग्रुप में, चलो ओके ये तीन स्टैंडर्ड जो हम पाकिस्तान रेल पर इस्तेमाल करते हैं क्रॉसिंग्स की, 1 in 8.5, 1 in 12, 1 in 16। अब ये 1 in 8.5 क्या चीज़ है, ये बेसिकली ये एंगल है,
ये एंगल डिफाइन करता है कि ये कौन सा क्रॉसिंग है, मतलब जितना ये बड़ा होता जा रहा है 116 उतना ये इजी हो जाता है, मतलब ये एक्यूट है वो थोड़ा सा ऐसे आएगा। और इसका एडवांटेज क्या होता है यहाँ से ये डिस्टेंस ले लें और फिर ये ले लें, क्लियर है बात? यहाँ से क्रॉसिंग से एक पॉइंट तक मेजर कर लें और फिर ये मेजर कर लें, ये रेशियो है। जो नजर आ रहा है ना नोज, ये ब्लंट नजर आ रही है, शार्प नहीं, ठीक है ना? जो शार्प इसको अगर आप आगे खींच के ले जाएंगे तो शार्प हो जाएगी, वो थ्रेटिकल है ये एक्चुअल। तो इसको लिया जाए तो अगर ट्रेन इधर जाना हो और इधर जाना हो तो उसको पेशेंट क्या होता है, किस तरह जाएगी? ये बताने लगा था ना कि आपको जो होता है ना स्ट्रेट लाइन, ट्रेन इधर से आ रही है, ये पॉइंट इधर सेट होगा नीचे की तरफ, वो खुला होगा, सीधी चली जाएगी, उसके लिए स्पीड में स्ट्रेट जाने के लिए तो स्पीड में, लेकिन अगर ट्रेन ने डाइवर्ट हो रहा है तो ये जो इस वक्त नजर आ रही है सूरत हाल ऐसे ही होगी और ट्रेन ऑटोमेटिकली इधर आएगी, इस पे स्पीड लिमिट सारा जो कहते हैं काम होगा वो पॉइंट्स का होगा, क्रॉसिंग दोनों चीजें, ये पॉइंट है या स्विच है, ये क्रॉसिंग है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, वियर एंड टियर, बल्कि वियर एंड टियर क्रॉसिंग की ज्यादा होती है, और वो क्रॉसिंग तो मैनुअल्स स्टील के बनाते हैं ताकि कम से कम, जैसे ट्रेन पायलट बोर्ड करता है या कोई इंस्ट्रक्शंस होती है स्टेशन मास्टर का, स्टेशन मास्टर पॉइंट क्या कहते हैं, पहले सेट ना हो तो ट्रेन सीधी चल जाएगी? नहीं, पहले सेट से मुराद है कि पहले किधर सेट था, तो दो साइड है ना सेट होने की, या स्टेट की सेट है या डायवर्जन की सेट, ठीक है? तो ये छोटे डिपार्टमेंट का सेट करने वाले के लिए ट्रेन सीधी जाएगी, एग्जैक्टली नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि स्टेट के लिए सेट, लेकिन अगेन डिपेंड करता है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्टेशन वर्किंग रूल्स, हर स्टेशन के लिए स्टेशन वर्किंग रूल्स बने होते हैं और उसमें स्पेसिफाइड होता है कि जब ट्रेन नहीं है तो कांटे कैसे सेट होंगे, किस तरह से होंगे, और अगर ट्रेन है तो फिर कैसे वर्किंग कैसे कांटे सेट होंगे, यार्ड दो तीन लाइनों का भी होता है, यार्ड तीस तक लाइनों का भी होता है, जो क्रॉसिंग है ये फिक्स होती है, मतलब इसको ड्राइविंग करते हैं 12 के लिए 16 के लिए या 18 के लिए, नहीं ये तो बन के आता है तो उस वक्त होता है, उसको उस वक्त बनता है, लेकिन बन के आ गया उसको उसमें आएगी, और इन तीनों में जो फर्क है वो स्पीड पे ही है, और स्पीड का जरूरत लगती है उसमें, थोड़ा सा रिस्की है उसमें। ठीक है सर, ये टेक्निकल काम है या ये नॉर्मल लेवलिंग करती है गेम में अंदर जो? नहीं, किसी क्या कौन सा काम? पॉइंट क्रॉस में सेट करता है। ये स्ट्रिप मास्टर करता है, मैं जानता हूँ, वो स्ट्रिप मास्टर करता है। आजकल तो ये पहले तो ये होता था, जिसके ना लिवर्स लगे होते हैं, ग्रामर्स लगे होते हैं, कैबिन बने होते हैं, अभी है अभी सर ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, मुख्तलिफ जगह पे कैबल भी एग्जिस्ट करते हैं, सिग्नलिंग प्लांट भी एग्जिस्ट करती है, और जो ऑटोमेटिक हो गए हैं ट्रैक्शन मोटर कहते हैं वो लग गई हैं, वो पर स्विच मास्टर बटन दबा के उसको सेट कर, तो दोनों चीज़ें ऐसा ऐसा ही मतलब चेंज हो रहा है उसमें, इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पार्ट्स में क्रॉसिंग का आप पढ़ेंगे थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जब फील्ड में जाएंगे ना तो जरूर देखें उसको तफसील से, जो आपका तो फर्क होगा, जो असिस्टेंट इंजीनियर होगा या गवर्नर इंजीनियर होगा उससे तफसील पूछनी, वाटर में लगे हुए देखें आप, लेकिन फील्ड में देखा अगर और होता तो प्रैक्टिकल बंदा साथ हो उससे एग्जैक्टली पूछिए जो जो क्वेश्चन आपके, और उसके बाद फिर अगर आप डिस्कस करेंगे तो फिर कॉम्प्रिहेंशन
बिल्कुल Zoom off. Zoom off. सिग्नलिंग बड़ा ब्रीफली है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वैसे और कॉम्प्लिकेटेड भी है काफी। इसके लिए स्पेशल जो सिग्नल इंजीनियर को आएंगे वो आपके बेसिकली बताएंगे, बट जस्ट ब्रीफली के सिग्नल ओरिजिनल हिस्ट्री है। जब फर्स्ट टाइम सिग्नल की जरूरत पड़ी इट वॉज मैनुअल, स्टेशन के बाहर आदमी खड़ा हो जाता था और वो ये हाथ के इशारे से नहीं आ सकते ट्रेन को रोकता था, उसी के ऊपर बाद में शेप दे दी। इसको कहते हैं सेमाफोर सिग्नल, इसका नाम है सेमाफोर सिग्नल। अब ये डेंजर पोजीशन है, ये अलाउड पोजीशन है कि ट्रेन आ सकती है, ऑफ एंड ऑन कह लो उसको। स्टेशन स्टेशन के अलावा वो शॉर्ट्स के होते हैं वो बता दो आपको थोड़ा सा, बट बेसिकली ये स्टेशन है। दो तरह के नजर आ रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला सिग्नल नजर आ रहा है, ये तो है प्रॉपर, इसको जो नीचे नजर आ रहा है ना इसको कहते हैं वार्निंग सिग्नल। वार्निंग से मुराद ये है, यहाँ तो आपकी मेन लाइन या प्राइमरी भी आपको नजर आएंगे, दूसरे लाइन पर नजर नहीं आएंगे, कि अगर ट्रेन ने किसी स्टेशन पर नहीं रुकना और थ्रू जाना है तो ये दोनों सिग्नल डाउन होंगे। वार्नर के डाउन होने का मतलब यह है कि लाइन क्लियर है बियॉन्ड स्टेशन भी और ट्रेन फुल स्पीड पे जा सकती है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती, स्टेशन पे आ सकती है, मतलब ये क्या स्टेशन पे आ जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगी। उसका मतलब ये कि ट्रेन बाहर खड़ी हो जाएगी, ट्रेन स्टेशन नहीं आ सकती। क्या मतलब बाहर खड़ी वेट करते हैं स्टेशन स्टेशन लिमिट्स होती हैं, आउटर होम आपको क्या लगता है, आपको काफी पता है हमारी ट्रेन सर यार बात सुनो, जो चीज डुप्लीकेट हो रही है मुझे बता दो, मैं वो नहीं करूंगा ना। सर कुछ ने अभी ज्वाइन किया तो उनके लिए नई चीज है इसलिए आप बता रहे हैं, चलो डुप्लीकेशन का चल रहा है। ट्रेन आ रही है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन बिल्डिंग है, ट्रेन नजर से आ रही है, दिस इज आउटर सिग्नल, पहला सिग्नल जो मिलता है, दिस इज होम सिग्नल, दिस इज स्टार्टर सिग्नल और दिस इज एडवांस स्टार्टर, राइट।
अब जो आप कह रहे थे ना कि रुक जाती है, मतलब अगर ये सिलेंडर डाउन नहीं हुआ तो ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई, इससे आगे नहीं आ सकती। आगे ना आने की वजह कुछ भी हो सकती है कि लाइनें ऑक्यूपाइड हैं, किसी वजह से आप उसको नहीं रिज्यूम कर सकते। व्हाट्स अप नहीं, मेन लाइन पे ये मॉडर्न मेन लाइन पे ब्रांच लाइन पे नजर नहीं आएगा। हाँ मेन लाइन पे दो शुरू में दो एंड दो शुरू में दो। और इसमें फिर ये भी होता है कि जब ये जिस पे हो ना नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल इसमें और लाइन्स हैं तो ट्रेन को वाले को ड्राइवर को ये बताना होता है कि उसने कौन सी लाइन पे जाना है। तो वहाँ पे जो सिग्नल्स की सूरत हाल होती है ना, अगर उस सिग्नल को देखें तो एक सिग्नल ये बड़ा होता है और फिर उसके साथ छोटे एक सिग्नल फ्रेम लगा होता है बड़ा सारा, ड्राइवर को ऐसे नजर आ रहा है। ये जो थोड़ा सा ऊँचा सिग्नल होगा ये मेन लाइन का सिग्नल, इसमें ट्रेन मेन लाइन पर आएगी। अगर ये डाउन नहीं है और इनमें से कोई डाउन है तो इसकी एक लाइन ये है फॉर एग्जांपल इसके लिए होगा, एक लाइन ये है तो इसके लिए होगा। ड्राइवर को पता होता है कि मैंने इस लाइन पे आना है, इस लाइन पे आना, तो जिस लाइन पे उसने जाना है उसका सिग्नल डाउन। निकलते हुए तो स्टार्टर एडवांस है उसको मिल जाता है ना, ये स्टार्टर सिग्नल जो है ना ये मिल जाता है जब उसको, इसमें भी ये दो सिग्नल होते हैं उसको पता लग जाता है कौन से ट्रेन को सिग्नल दे रहा है, ये एक ही होता है। नाम बोल रहा हूँ वहाँ से अगर सिग्नल स्टेशन मास्टर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि मौसम इतना साफ है कि ड्राइवर को भी सिग्नल नजर आ रहा है। और अगर वहाँ से नजर नहीं आ रहा है, टेस्ट है कि फॉग है तो इस हद तक फॉग, और अगर उसको सिग्नल नजर नहीं आ रहा है ड्राइवर को सिग्नल नजर नहीं आएगा, तो ड्राइवर का तो उसमें आमतौर पर होता है कि वो जो लाइन पे जो एक आ रहा होता है वो आके फिर स्लो स्पीकर और उस वक्त स्लो रखता है जब तक तो सिग्नल नजर आ रहा है। तो सिग्नल नजर आ जाता है कि ग्रीन है तो वो आगे चल पड़ता है, नहीं है तो खराब हो आना दिन शुरू कर रहे हैं कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है अब तो जो ML1 में जो टेक्नोलॉजी बिल्ट इन की हुई जो आनी है उसमें सिग्नल की लगेगा तो सही हो, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि ड्राइवर को सिग्नल से कैबिन में कैबिन में नजर आएंगे कि सिग्नल लग ग्रीन है रेड है क्या है, तो उसको सिग्नल की उस तरह से प्रैक्टिकली जरूरत नहीं रहेगी उसको, लेकिन सिग्नल लगेंगे रात में। और उसमें तो ये भी आ रहा है कि एक सिस्टम होता है इसको कहते हैं ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंफ्लिक्टिंग मूवमेंट हो जाए या ड्राइवर अगर सो जाए तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाता है। अगर दो ट्रेनें एक लाइन पे आ गई हैं तो ट्रेन रुक जाए, टकराएंगे नहीं उसमें। तो अब सिग्नलिंग में मतलब टेक्नोलॉजी वाइज सिस्टम भी है, ML1 में बहुत डाला हुआ था लग रही नहीं है उनके बीच के जितने लाइन्स होती हैं वो उनसे कनेक्ट होती हैं टेलीफोन का, तो वो कॉन्टैक्ट में तो रहते हैं।
लेकिन बेसिकली जो जिम्मेदारी सिचुएशन के ना उनको मिल रहा है वो तो खराब जो कर रहे थे वो स्ट्रेस मास्टर की फील्ड पे कर रहे थे सिर्फ वहाँ से कहता है मेरे पास लाइन क्लियर है वहाँ से कहता लाइन खाली है तो कहते हैं यस गाड़ी कौन है और स्ट्रेस मास्टर कहते मैं अब गाड़ी नहीं ले सकता तो पिछली गाड़ी उसको लाइन क्लियर पैसे से नहीं ले सकता तो वो करता है मॉनिटर करता है बेसिकली नल पॉइंट से उतर तो वो जैसे टैगिंग अप ला रहे थे जैसे वो अभी नहीं हुई लेकिन अल्लाह देख में भी होती है एयर इंडस्ट्री कितनी आगे निकल गई है यहाँ पर ये चीजें अभी से ही हैं आज टाइम की पाबंदी भी हो जाएगी अब ये जो आगे हम बहुत पीछे रह गए हैं माशाल्लाह आप लोग आएंगे तो शायद बोलना जल्द ब्रेड आएगा तो नीचे तक अजय जब कम्युनिकेशन सिस्टम इसको डेट के लिए करते हैं लाइक वो मैं 2019 में मुझे लॉर्ड कंट्रोल जो मीन पोस्ट पे जाने का था वो जो अगर फोन होते वो वही पुराने जमाने के जो डायल कर करके वो उसका हम काम इशू क्या है ये क्वेश्चन आप पूछ लीजिए असल में ये कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए रेलवे की कि उसमें कोई एंटर ना हो सके सड़क पर खतरा होता है एक ने मतलब ये आप दो लाइनों के दरमियान आपने लाइन क्लियर देनी है बेसिकली उसको मान ली अब ये डेफिनेट होना चाहिए अदर साइड पे जो बंदा बैठा है जर्मन वो आपको कह रहा है कि गाड़ी को लाइन क्लियर दे रहा हूँ आप आने दें वो जर्मन बंदा है जब ऐसे टेलीफोन होंगे ना जिनमें कोई और चीज़ एंटर नहीं हो सकता तो ये गारंटी है और जब ऐसा नहीं होता तो फिर अल्टरनेट तरीके तैयार करते हैं इसमें क्या किया अब तो ये थोड़ा सा विश्वास हो गया जब मोबाइल कंपनीज आ गई ना इनसे कुछ कनेक्शन दिए गए हैं जो कि डेडिकेटेड कनेक्शन है जिनमें कुछ दूसरा नहीं आ सकता उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो जाता है लेकिन ओरिजिनली कॉन्सेप्ट यही था कि उसमें एक तीसरा बंदा एंटर ना हो और वो जो है ना वो घर घर वाला टेलीफोन सिग्नलिंग में जो डिफरेंट तरह के सिग्नलिंग आप बात कर रहे हैं जब स्टेशन सिग्नलिंग है जिसमें एंड किया शिल्डिंग सिग्नल भी बड़े स्टेशन पे होते हैं वो अगर जमीन से थोड़ा ऊपर लगा होता है वो बेसिकली जब शंटिंग ऑपरेशनल होता है तो जो शंटिंग ड्राइवर्स हैं उनको वो बताते हैं कि दे कैन मूव ऑन ऑर्डर हैंड सिग्नल क्यों कहते हैं झंडी अपनी जबान में लाल झंडी हरी झंडी हैंड सिग्नल वो मुख्य मौकों पर मुख्य तरीकों से इस्तेमाल होते हैं वो ट्रेन चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं कश्मीर में ट्रेन को एमरजेंसी में रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं वर्किंग साइट सिग्नल अगर फील्ड में कोई काम हो रहा है लाइन के ऊपर तो वहाँ पे सिग्नल लगा देते हैं मतलब अगर काम को सीरियस हो रहा है ट्रेन को आके रुकना है और फिर चलना है तो वहाँ पे सिग्नल बोलते हैं स्टॉप डेड सिग्नल सिग्नल लग जाता है वहाँ पे और उसको पोजिशन से रहती है स्टॉप डेड की जो डाउन नहीं होता ट्रेन आती है वहाँ पे रुकेगी वो जो सिग्नल मैन खड़ा होगा वो साइन लेगा ड्राइवर से हाँ तो वो जब साइन कर देगा ड्राइवर फिर उस सिग्नल डाउन करेगा और फिर चलेगा उसका मतलब कि अनश्योर कि ट्रेन रुक के चली है ट्रेन क्यों नहीं चली एमरजेंसी सिग्नल हैं कि ट्रैक खतरा आ गया है जो पेट्रोलर्स हैं या गेट मैन है उसको नजर आया तो उसने ट्रेन का इमरजेंसी रोकना है बहुत स्टॉप उसके अपने सिग्नल में उसमें डेटोनेटर इस्तेमाल होते हैं अगर आपको बाड़ी में बनाया तो दो हाँ डेटोनेटर होते हैं जो आखिर क्या लें आपको कि वो फिर डेंजर है ड्राइवर को बताना तो जिस तरह से ट्रेन आने का खतरा है उधर कुछ फासले पर जाकर फासले स्पेसिफाइड है कि डेटोनेटर ट्रैकर का तो जब उसके ऊपर ट्रेन आती है तो वो ब्लास्ट करता है ड्राइवर को पता लग जाता है ट्रेन को वो 400 इंटरलॉकिंग क्या है अगर आपने पढ़ा बटन में लिखता है इंटरलॉकिंग क्या है तो भी बटन में इन्होंने पढ़ा क्या मैं इंटरलॉकिंग क्या है सिग्नल कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट नहीं होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट नहीं होनी चाहिए
इंटरलॉकिंग का मतलब है कि अगर एक लाइन के ऊपर आपने सिग्नल दे दिया या घंटे सेट कर दिए एक लाइन के लिए, उस लाइन के लिए और घंटा को सेट नहीं होता। ये इंटरलॉकिंग स्टेशन पर भी होती है, ये इंटरलॉकिंग लेवल क्रॉसिंग में, लेवल क्रॉसिंग में इंटरलॉकिंग करते हैं द गेट, गेट बंद होगा तो उसके बाद जब तक ट्रेन नहीं गुजरेगी और गेट नहीं खुलेगा तो कांटा वो सिग्नल जो है लेवल क्रॉसिंग का सिग्नल वो डाउन नहीं होगा। इंटरलॉकिंग का मतलब ये है बेसिकली टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट्स। कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट का मतलब ये है कि इस पे अगर ट्रेन खड़ी है, ये कांटे जाने ये लॉक हो जाएंगे कि इधर से ट्रेन आने वाली इधर नहीं आ सकती, ये कांटा चेंज नहीं हो सकता। इसको कह सकते हैं कि ये इंटरलॉक होगा, ट्रेन या खाली करेगी तो फिर ये कांटा रिलीज होगा। दिस इज वन एग्जांपल। लेवल क्रॉसिंग का जो होता है कि सिग्नल डाउन करने से पहले जो गेट में है उसकी बात करूँ, जो मैन लेवल क्रॉसिंग यानी उनके ऊपर सिग्नल लगे हुए सब पे नहीं लगे हुए, गेट को बंद करता है, लॉक करता है, उसकी चाबी निकालता है, चाबी निकाल के फिर वो उसके पास एक छोटा सा बनाता है लीवर फ्रेम, उसमें जाकर वो चाबी लगाता है और फिर सिग्नल डाउन करता है तो सिग्नल डाउन होता है, ये इंटरलॉक है। और जब दोबारा भी अगला ट्रेन गुजर जाएगी तो पहले वो सिग्नल ड्रॉप करेगा, चाबी निकालेगा, फिर गेट खोलेगा। इंटरलॉकिंग बेसिकली इट इज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट्स। ठीक है, थक तो नहीं है आपको, टाइम भी हो गया वैसे तो, थक गया, चलें फिर यहाँ बस कर देते हैं। अरे आप भी सर, हाँ है तो सब पढ़ा रहे हैं। रोड क्रॉसिंग द ट्रैक, ये सबसे हमारा जो ना खतरनाक एरिया जो ना रेलवे का, तो ये है जो बड़े एक्सीडेंट होते हैं, बड़ी जाने जाती हैं, और इसका हमें हल भी समझ नहीं आता। हल तो है लेकिन बहुत महंगा है, और हर सिर्फ ये है कि आप ओवरहेड ब्रिज बनाएंगे अंडरपास, अब कितने बनाएंगे, कौन पैसे देगा। बेसिकली जो हमारा कोड है रेलवे का वो ये कहता है, या रेलवे एक्ट ये कहता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, नॉट रेलवे। रेलवे एक्ट ये कहता है कि जब नई रेलवे लाइन बनती है तो उस पर जो फैसिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जो रोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, या जो नहरें एग्जिस्ट कर रही हैं, या व्हाट्सएवर फैसिलिटीज हैं, उनकी फैसिलिटीज को मेंटेन रेलवे करेगी एट रेलवे कॉस्ट। उस प्रोजेक्ट में सब बना के रोड्स हैं, रोड पे लेवल क्रॉसिंग बनाने या ब्रिज बनाने, नया केबल पुल बनाने, ये रेलवे की जिम्मेदारी। 10 years आफ्टर द रेलवे लाइन इज कम्प्लीटेड ये जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाती है टू रोड ओनिंग एजेंसीज या लोकल गवर्नमेंट। अगर 10 साल के बाद कोई नई रोड बनती है या कोई नई कनाल बनती है या कोई नया स्ट्रक्चर बनता है विच नीड टू क्रॉस द ट्रैक, उसके पैसे या उसकी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, या कोई प्राइवेट पार्टी होगी, जो भी होगी, रेलवे नहीं होगी। अब इस पे डिस्प्यूट किया जाता है कि फाटक कितने ज़्यादा है, जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रेलवे कहती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं मानती। एक्सीडेंट होता है, नाम बदनाम रेलवे का ही होता है, रेलवे का एक्सीडेंट है तो बख्ती है रेलवे की होती है, भुगतते रेलवे कर सकेंगे इसको। तो लेवल क्रॉसिंग्स किसमें अनमैंड और मैंड होता, मतलब समझते हैं अनमैंड तो वो जिसमें फाटक वाला नहीं होता, और मैन जिसमें फाटक वाला होता है उसकी बेचारे क्लासिफिकेशन है, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, स्पेशल कैटल क्रॉसिंग एक होती है जो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री का मतलब जो है ना वो उसका अगेन डिपेंड करता है कि उस पर रेल और रोड की कंबाइंड ट्रैफिक कितनी है। इसका एक फार्मूला बना हुआ है, सेंसस लेते हैं कि ट्रेनें कितनी चल रही हैं उस जगह, और रोड व्हीकल्स कितनी क्रॉस करती हैं वहाँ से, तो उस फार्मूले पे एस्टेब्लिश करते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्लास का लेवल क्रॉसिंग चाहिए।
एक गेट मैन, दो गेट मैन का चाहिए, तीन गेट मैन का चाहिए, डबल गेट्स का चाहिए, सिंगल गेट का चाहिए, स्पेशल क्लास चाहिए, वो लेवल क्रॉसिंग का डिजाइन डिपेंड करता है उस क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन होती है इंजीनियरिंग लेवल क्रॉसिंग और ट्रैफिक लेवल क्रॉसिंग, ये भी आपको वास्ता पड़ेगा। वो लेवल क्रॉसिंग जो विद इन स्टेशन बाउंड्रीज आते हैं, स्टेशन बाउंड्री जो यहाँ से लेकर और यहाँ रूम लेवल क्रॉसिंग देखा है ट्रैफिक लेवल क्रॉसिंग, और उसकी जो मैनेजमेंट है वो स्टेशन मास्टर के पास होती है, वो कंट्रोल स्टेशन मास्टर करता है गेटमैन को भी और उसके मूवमेंट को भी और उसको बंद करने को भी, और आमतौर पर वो इंटरलॉक होते हैं लेवल क्रॉसिंग के दस सिग्नल के साथ। सिग्नल डाउन होंगे तो और जो दूसरा इंजीनियर क्या है वो अदर देन ट्रैफिक लेवल क्रॉसिंग सारे इंजीनियर उसका जो कंट्रोल है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास होता है। क्वेश्चन होंगे तो यू कैन आस्क अबाउट। सर एक तो सर ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होते हैं ना, कहीं आदमी दो आ रही है या एक आ रही है दो आ रही होती है, कोई ऐसा इंस्टेंस भी है कि दो पट्टी इस तरह आपस में क्रॉस करें, एक अपनी लाइन यहाँ से आ रही है यहाँ से आ रही है क्रॉस करें आपस में होता है डायमंड मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है लेकिन वो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट तरीके से जो आपके जहन में है ना। एक तो स्ट्रेट वे वर्टिकल है, ये भी होते हैं दुनिया में बट कम है, लेकिन इसमें कंट्रोल जो है ना वो कंबाइंड होता है कि ट्रेन या इधर से आएगी या इधर से आएगी, एट ए टाइम नहीं आ सकती। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं सीजर क्रॉसिंग्स वगैरह, ये सीजर क्रॉसिंग, इसको बहुत मुख्तलिफ किस्मों के क्रॉसिंग होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि यार्ड का डिज़ाइन क्या है कैसे होगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? हाँ नहीं, ये तो नहीं है, ये बहुत है। अनमैन क्या है? अनमैन इसका आदमी नहीं होता, इसका आदमी नहीं होता, गेटमैन नहीं होता, सिंपल रोड सर्विस बनी होती है, नोटिस बोर्ड लगा होता है, वहाँ नहीं होता, इस फाटक में कोई फाटक वाला नहीं है, जिम्मेदारी आपके अपनी आप उसे देखें उसे। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह।